90 के दशक में रही बोल्ड एंड सेक्सी एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी पिछले कई सालों से बॉलीवुड की दुनिया से दूर है, या कहीं देश से ही दूर है। लेकिन सालों पहले फिल्मी पर्दे की सनसनी रही ममता कुलकर्णी के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। एक वेबसाइट के रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता अब भी केन्या में है। कहा यह जा रहा है कि केन्या में रहे इंडियन बिजनेसमैन उरु पटेल के साथ मिलकर उन्होंने एक लाइन प्रोडक्शन कंपनी शुरू की है। सोर्सेस की माने तो ममता ने अपना नाम भी बदल लिया है और उन्हें अब पहचान पाना मुश्किल है। रिपोर्ट्स की माने तो ममता और उनके हस्बैंड विजय गोस्वामी को पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में साल 2014 में अरेस्ट किया था और दोनों से काफ़ी पूछताछ भी की गई थी। इससे पहले भी वो एक बारी काफ़ी चर्चा में थी जब ममता के साध्वी बनने की खबर आई थी। हम आपको बता दें, ममता ने फिल्म तिरंगा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके अलावा ममता ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी हैं जिसमें करण अर्जुन, बाजी, वक्त हमारा है जैसी फिल्में शामिल हैं।